गार्डियन होगा, जुबिनल जो भी है गाड़ी चला रहा है जो 18 साल से नीचे है, उसका 25,000 फाइन है, उसके बाद 3 साल का इम्प्रिजनमेंट है, और कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल 43 लेक्स का आसपास में हम लोग चलान किया है। ये कोई बड़ा बात एक्चुअली नहीं, एक्चुअली ये शर्म का बात है। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप सब जानते हैं जो स्पेशली ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, काफ़ी सालों से कह सकते हैं 2016-17 में काफ़ी लोग गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट को कह रहे थे कि एक अच्छा फोर लेन या फिर कह लीजिए हाईवे बनाना चाहिए। लेकिन मैं बता दूँ अभी इन अ प्रॉपर वे पार्किंग लॉट को छोड़कर बाकी अगर हम देखें तो जो चंदानगर से लेकर पापू नाला तक फोर लेन हो चुका है। मैं बता दूँ फिर से पार्किंग लॉट को छोड़कर, जिसके लिए एक रिनोवेशन चल रहा है जो कि बैंक की नाली में है, और दो पार्किंग लॉट बन रहा है जो एक गंगा मार्केट में रहेगा और एक सेक्रेटेरिएट के पास में रहेगा, और बाकी अगर देखें तो फोर लेन बन चुका है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें एक्सीडेंटल चीज़ों के लेकर तो काफ़ी 2019 से लेकर 2021 के अक्टूबर तक जो डेथ रेट है वो 29 है टोटल। हम अगर बात करें 2019 से लेकर 2021 के अक्टूबर तक, और सीवियर कह लीजिए या फिर माइनर कह लीजिए 132 है। आज हम ये बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि रास्ता अच्छा बन चुका है लेकिन एक्सीडेंट और डेथ रेट बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन सवाल रहेगा आप पब्लिक को, हम पब्लिक को, कि हम कितना अवेयर है और हम कितने किस तरीके से जो ट्रैफिक रूल्स है उसे फॉलो करते हैं। तो अभी हम यहाँ के जो ट्रैफिक मैनेजमेंट अथॉरिटी उनसे जाकर मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से ट्रैफिक मैनेज किया जा रहा है, और साथ ही साथ उनसे जानेंगे कि और क्या क्या ऐड करने वाले हैं आने वाले समय में। और साथ ही में अरुणाचल टुडे टीम जितने भी पब्लिक ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ काइंडली आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए। सबसे पहले तो सर हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जब से एज अ DYSP आप संभाले हैं ट्रैफिक ईटानगर को काफ़ी स्ट्रीमलाइन हुआ कह सकते हैं। लोग अभी पार्किंग को लेकर भी काफ़ी चौकन्ना रहते हैं, कह सकते हैं रॉन्ग पार्किंग नहीं करते, कम से कम काफ़ी स्ट्रीमलाइन कह सकते हो चुका है। लेकिन सर अगर हम बात करें पार्किंग की तो ईटानगर स्पेशली मार्केट एरिया में पार्किंग का काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करता है, तो उसको लेकर आपकी ओर से या फिर अभी ये पार्किंग का इशू तो रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही हमारा जो डायनामिक जो हमारा DC सर है जो तलपुतम सर का इनिशिएटिव में ये पहले से ये प्योरिटी बेस पे था कि पार्किंग को हमेशा ठीक करना है बोल के, तो ये फाइल अप्रूव भी हो गया आपका गवर्नमेंट जो 1.5 करोड़ रुपीज़ सेंक्शन किया है बोल के बता रहा था हम लोग को। तो आज ही हम लोग ने जाके जैसा लो हम लोग जाके इंस्पेक्शन भी कर लिया, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट और लिमिटेड एरिया है, तो वो एरिया को हम लोग आइडेंटिफाई करके वो एरिया को एक कुछ जगह में जहाँ पे थोड़ा मरम्मत करना हो वो जगह को स्पेस को हम लोग का कवर करने के लिए आज ही हम लोग इंस्पेक्शन किया है। तो इंस्पेक्शन और करने के साथ साथ हम लोग का DC सर को रिपोर्ट सबमिट कर देगा एक दो दिन के अंदर में। सर दूसरा पॉइंट जो बहुत चर्चा में रहता है जो कि चालान काटना, नाकास में काफ़ी देखा जाता है कि हाईवे में नाकास में चालान कटा जाता है, तो लोगों का ये सवाल है कि चालान क्यों कटा जाता है और अगर कितना कटा है तो कहाँ जाता है वो पैसा, ये भी सवाल है, थोड़ा उसको क्लियर करें। एक्चुअली चालान जो वो अमाउंट में अभी हम लोग का 43 लेक्स का आसपास में हम लोग चालान किया है अभी टोटल, जो लगभग जो ये साल का अंदर अभी ये साल में भी दिसंबर महीना बचा हुआ है हम लोग का, हम लोग 50 के आसपास क्रॉस कर पाए कर लेगा शायद। ये कोई इसमें कोई वो बहुत बड़ा वाला ये मतलब हम लोग चालान 50 लाख का किया है 30 लाख का किया है, ये कोई बड़ा बात एक्चुअली नहीं है, एक्चुअली ये शर्म का बात है कि ना एक्चुअली हमारे लिए तो अच्छा बात नहीं है कि इतना इनडिसिप्लिन है हम लोग। आप शुरू में देखा होगा कि हम लोग
फर्स्ट डे में सिंगल हम लोग हैंडेड में काम करते वक्त में, फर्स्ट डे में जब हम लोग ड्राइव शुरू किया था, ये रॉन्ग पार्किंग का ड्राइव शुरू किया था, तब हम लोग एक दिन में हम लोग का 1,87,000 हम लोग ने एक दिन में कटवाया था। तो वो अमाउंट जो बहुत ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है बोलने से, क्योंकि 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ है, जो MVA जो अभी तो अरुणाचल में लागू नहीं हुआ था, अभी फिलहाल तो लागू हो गया, लेकिन वो कम अमाउंट का एक्चुअली लाइसेंस का हो गया, ये अमाउंट जो बहुत बढ़ गया था। तो पहले बढ़ा नहीं, तब समय का पैसा इतना नहीं था, इसका कारण से इतना अमाउंट नहीं हो पाया। लेकिन अगर 2019 का अमेंडमेंट का हिसाब से अगर MBA को कटवाना होने से, तो हम लोग करोड़ पार कर लेना था। लेकिन इसमें यही दुख का बात है कि आप सोचिए, आजकल तो एक दिन में हम लोग 40,000-30,000 का आसपास चालान कट पाता है। तो एक तरफ से देखा जाएगा तो ये अचीवमेंट है, नॉट वे ऑफ द मतलब चालान अमाउंट को हम नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कि पहले हम लोग 1,80,000 रुपया कटता था एक दिन में, तो अभी धीरे धीरे कम होते जा रहा है पैसा, जो तो कम होते जा रहा है। इट मीन्स आदमी लोग समझ में आ रहा है कि गलत हो रहा है और हम लोग गलत नहीं करना है। तो इसलिए पार्किंग को लेके भी वो जो आपका जो चालान इसलिए कटवा रहा है, क्योंकि बहुत सा आदमी लोग इशू को नहीं समझ के सीधा सीधा बात करता है ना, इसलिए पैसा जो अमाउंट जो है हम लोग का कलेक्ट करने के बाद शाम को ही हम लोग ट्रेजरर ऑफिस में जमा कर देता है। तो आपको बताना चाहेगा कि चालान का अमाउंट जो होता है आपका, ये थ्री पेज में आप लोग चालान करते हैं कार्बन लगा के। तो एक चालान जो आपको ओरिजिनल कॉपी जो यहाँ पे रहेगा वो कैश अमाउंट के साथ में ट्रेजरर ऑफिस में जमा हो जाता है, और दूसरा चालान जो होता है वो आपको जो वायलेटर्स होता है उसको मिलता है, और तीसरा चालान होता है वो ऑफिस कॉपी होता है। अगर आपको लगता है ये पैसा कहीं दूसरा जगह मिसयूज हुआ या कहीं दूसरा जगह में जा रहा है, तो आप ये आपका चालान नंबर है, दूसरा है सीरियल नंबर है, इसका बेस पे आप इसको RTI मार के अपना पैसा कहाँ गया, गवर्नमेंट अकाउंट में गया है कि नहीं गया, आप बिल्कुल पता कर सकता है। तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, गवर्नमेंट का अकाउंट में जाएगा, इतना सिक्योरिटी हम लोग दे सकते हैं आप लोग। बहुत पब्लिक सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर ये जानना चाहिए भाई, जब ये नाका में जब चेकिंग वगैरह होता है तो काफी फोर व्हीलर या फिर टू व्हीलर को आप लोग सीज करते हैं, तो सर अभी तक जब से आप ट्रैफिक सेपरेट ब्रांच बनने के बाद में अभी टोटल कितना सीज हुआ, या फिर मतलब क्योंकि काफी यहाँ पे चोरी का भी केस बनता है। अभी तक जनवरी से लेके हम लोग का अभी टोटल चलान जो आदमी जो हम लोग वायलेटर्स को कटाए, तो हम लोग का ये रिकॉर्ड का हिसाब से हमारा पास 7049 आदमी का हम लोग अभी तक वायलेटर्स जो इतना का हम लोग चलान किया, और टोटल रुपीज़ जो पहले हम आपको बताया 43 लाख कुछ आसपास, और कोर्ट चालान भी किया है। कोर्ट चालान में आपका 12 लाख का आसपास में हम लोग CGM कोर्ट से गाड़ी को सीज करके CGM कोर्ट में पैसा जुर्माना भरने दिया। और ऐसे भी नॉर्मली रात को क्या होता है, ड्रिंक एंड ड्राइविंग केसेस में भी बहुत सारा मिसबिहेव किया जाता है, तो उसको भी ऐसे केस बना के बहुत सारा को डिटेन किया है और अरेस्ट भी किया है। तो ऐसे भी बहुत है आदमी जो करने वाला, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग डीलिंग तो कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि रात को दारू पीने वाला को हम लोग उसको प्रिवेंटिव मेजर लें, उसको डिटेन करें, अरेस्ट करें। और यूजुअली हम लोग गाड़ी सीज उसी को करता है जिसका डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, और तीसरा है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन में एक तो क्वेश्चन मार्क ये आता है कि आपका MVA में साफ साफ लिखा गया है कि आप अगर बिना रजिस्ट्रेशन का गाड़ी रोड पे चला ही नहीं सकता है, अगर आप रोड पे चला रहा है तो आप न्यू गाड़ी परचेस किया है तो उसका TRC मिलता है, TRC को वो विजिबल में एरिया में होना पड़ेगा TRC जो ये इन द मतलब इन आप अगर दूसरा भाषा में बात करेगा तो आपको कोई भी चीज़ जो आप डिजाइनेट मतलब आपका पहचान होना पड़ेगा, कोई भी इंसान का या कोई भी गाड़ी का अगर रास्ता पे चल रहा है तो। उसका रीज़न यही है कि अगर कोई क्राइम होता है, एक्सटॉर्शन होता है, मर्डर होता है, कोई भी अगर केसेस होता है, तो बिना रजिस्ट्रेशन का अगर हम लोग CC कैमरा में
पता नहीं चलेगा कौन सा गाड़ी। अगर कलर का बात करेगा तो ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर दुनिया भर का गाड़ी है, लेकिन आप गाड़ी का डिजाइन आप तो आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन आ जाता है, हर आदमी का डिटेल्स, गाड़ी का डिटेल्स वहाँ पे पूरा ऑनलाइन मिल जाता है, तो इजी रहता है। इसलिए आपका पहचान होना पड़ेगा गाड़ी का, तभी आप गाड़ी चला सकेगा रास्ता में। और अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, DTO का वहाँ से कुछ कुछ मिसप्लेस हुआ या तो डिले हो रहा है, तो गाड़ी को आप मत चलाइए। अगर आपका पास TRC है तो TRC को शो कीजिए, आपका TRC को विजिबल एरिया में रखिए और TRC से आप रन कीजिए। 1 मंथ का वैलिडिटी होता है, आप चला सकते हैं। लेकिन आप TRC नहीं हो कि गाड़ी को बिना नंबर प्लेट कुछ भी वजूद नहीं है, उसका कोई भी मतलब पहचान नहीं है, तो वो गाड़ी को आप रोड पे मत लेके, हाईवे में आप चला नहीं सकते उसका। इसलिए आप गाड़ी सीज भी हो जाएगा और आपका बेकार में आपको हरेसमेंट मिलेगा। हम लोग भी नहीं चाहते हैं पब्लिक को हरेसमेंट दे, लेकिन पब्लिक अवेयर होने के बाद भी जानबूझ का कुछ कभी कभी करता है। और दूसरा है कि जो हम बहुत सारा नोटिस किया है, गाड़ी का जो नंबर्स है वो भी आपका क्या होता है, डिज़ाइन से लिखता है, डिज़ाइन नंबर्स प्लेट भी अलाउ नहीं है, उसको डिफेक्टेड नंबर प्लेट होता है। और किसी किसी का क्या होता है, राइट आगे में नंबर प्लेट टूटा होता है, पीछे में नंबर प्लेट होता है, किसी का पीछे में नंबर प्लेट टूटा होता है, आगे में होता है, उसको भी डिफेक्टेड नंबर प्लेट बोला जाता है। वो भी नहीं होना है, क्योंकि अचानक का बात है, अगर कैमरा का डायरेक्शन चेंज होकर रखा है, आगे का नहीं कवर कर पा रहे, तो पीछे का तो कम से कवर करेगा। तो कवर करने के लिए इसलिए किया जाता है, प्रिवेंटिव हम लोग मेजर इसलिए लिया जाता है, क्योंकि फर्दर जो क्राइम होगा वो हम लोग का नज़र में होना चाहिए। कुछ भी क्राइम होगा तो हम लोग का पास में होना। बहुत सारा आजकल तो ऑनलाइन में ऐसे फिलहाल हम लोग 2-3 गाड़ी ऐसे भी मिला है, जो एक गाड़ी जो इनोवा गाड़ी था और उसका आपका बाइक का रजिस्ट्रेशन लगाया हुआ था, तो उसको हम लोग ने डिटेन किया और आदमी को अरेस्ट करके आपका पुलिस स्टेशन में हम लोग हैंड ओवर कर दिया। तो गाड़ी को अभी भी हम लोग का पास में है यहाँ पे, तो वेरिफिकेशन के लिए अभी रखा हुआ। तो यही है, और सीज करने का रीज़न वही होता है आप, और एक तो आपको जानना पड़ेगा अलाउंग अनऑथोराइज पर्सन, आपके पास में अगर गाड़ी है तो आप दूसरा को देता है तो एक ऑथोराइज सर्टिफिकेट देना होता है, नहीं तो हैज ट्रेटेड हैज ए स्टोलन प्रॉपर्टी। क्योंकि ऑब्वियसली बात, RC दूसरा नाम का है और तीसरा बंदा चला रहा है, तो पहले तो प्रिजम्पशन ऐसे ही करेगा कि वो चोर का है, तो बेकार में हरेसमेंट हो जाएगा उसको। क्या पता उसके लिए उसको डिटेंशन भी मिल जाए एक रात 24 आवर्स, क्या पता उसको कस्टडी में रखना पड़े, तो आपका ही वो है तकलीफ़ है। और हम लोग भी नहीं चाहता है कि आप लोग तकलीफ़ हो पब्लिक, हम लोग आपके लिए ही है, लेकिन हम लोग का लापरवाही का वजह से कोई किसी का गाड़ी चुरा के ले जाएगा ऐसा भी ना हो, इसलिए हम लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट रोड पे साइड पे होता है। और कभी कभी बहुत आदमी को बहुत हरेसमेंट भी होता है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहता है किसी का गाड़ी चोर होके जाए, किसी का गाड़ी जो एक्सीडेंट हो जाए, इसीलिए हम लोग केयर करता है। इसका कारण से क्या होता है, जो एक्चुअली में जो इनोसेंट आदमी होता है कभी कभी वो लोग भी विक्टिम बन जाता है, तो हम लोग की नहीं चाहता है, तो इसलिए अवेयर होना जरूरी है। अवेयर होने से आप कभी विक्टिम नहीं बन पाए, तो वही है। अब और मैं पूछने वाली थी रिगार्डिंग ड्रिंक एंड ड्राइव केस को लेकर, क्योंकि अभी बात कर रहे हैं तो ईटानगर में भी काफ़ी हो चुका है, हाल ही में ही एक ड्रिंक एंड ड्राइव केस को लेकर भी कैंडिडेट मार्च भी किया गया था, तो हम ये जानना चाहेंगे जिससे सिटीज में अल्कोहल डिटेक्टिंग मशीन रहता है और उनको रात को मेन आकाश में पुलिस के द्वारा चेकिंग किया जाता है इस तरीके का, तो यहाँ पे कुछ आप लोग इस तरीके का कुछ करने वाले हैं, क्योंकि केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग को गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग को ये दिया गया है, जो अल्कोहल डिटेक्ट जो हम लोग मशीन दिया हुआ है, और ये हम लोग के पास में 30-40 पीस है हम लोग के पास में, तो ये हम लोग यूज़ करता है रात को जो ड्रिंक एंड ड्राइविंग। अगर आप मस्ती भी कर रहा है, कहीं जा रहा है, पार्टी से आ रहा है, तो काइंडली मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ड्राइवर ना पिए, बाकी जो पी के कुछ नहीं है, आप इंजॉय किया है अपना लाइफ को, अपना से जी रहा है, वो मेरा में कोई वो दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत कब आता है, जब ड्राइवर जो दारू पीता है तब दिक्कत आता है, क्योंकि आपका ड्राइविंग करना सिर्फ और सिर्फ आपका ड्राइविंग अकेला नहीं होता, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा ड्राइव जब चला रहा है तो, क्योंकि जब दारू पी लेता है तो आप इंसान तब हम चला रहा नहीं होता, तो वो तो दारू के साथ में चलने से तो उसका खुद का भी रिस्क है और बाकी का जो साथ में उसका साथ में फैमिली फ्रेंड्स होता है उसका भी जान का खतरा होता है। और सेकेंड ऐसा है कि आप अगर एक्सीडेंट होगा तो
सिर्फ आप ही नहीं, आपका जान ही सिर्फ मतलब जाने का खतरा नहीं होता है, आपका जो आप किसी को मारेगा तो दूसरा इनोशन आदमी भी जान जाने का वो खतरा होता है। इसलिए हम लोग यही सोचता है कि आप ये बोलता है कि हेलमेट हम नहीं पहनेगा, मेरा सर है, माथा फूटने से भी मेडिकल खर्चा हमको करना है। लेकिन आप सोच के देखिए, जब आप एक्सीडेंट पड़ा होता है, रास्ता में गिर के रखता है, सबसे पहले कौन पूछता है? पुलिस ही पूछता है। पुलिस आपको लेके मेडिकल पहुंचाता है, मेडिकल पहुंचाता है तो मेडिकल से बाद में पता चलता है, पेरेंट्स को पता है, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता है, उसके बाद पेरेंट्स तो बहुत बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम फेस कौन करता है? पुलिस ही करता है एवरीथिंग। हम मेरा गाड़ी में 9-10 से ज़्यादा आदमी एक्सीडेंट किया वाला को गाड़ी से हम मेडिकल पहुँचा के, पूरा मेरा ब्लड ब्लड होने का तक भी हम घर वहाँ पहुँचा के लेके आए, तो वो सब हम लोग देखते हैं। हम ऐसे ऐसे एक्सीडेंट घटना देखा है जिसका माथा पूरा ट्रक से चिपके, पूरा एक आँख उधर, जबरा इधर, हाथ इधर, उसको हम एक साथ कलेक्ट करने का, प्लास्टिक में डालने का, उठाने का, बाद में FSL में देना, मतलब वहाँ पे हम लोग का जो पोस्टमार्टम के लिए हम डॉक्टर के पास पहुँचा रहे, ऐसे भी बहुत हादसा हुआ है हम लोग के साथ। हम लोग फेस करता है चैलेंजेस, फेस करता है प्रैक्टिकल, हम लोग देखता है कि आदमी को सफ़र होता है, हम लोग उस चीज़ को सोच के दिल में दर्द होता है कि नहीं, ये पब्लिक का साथ, दूसरा पब्लिक का साथ ना हो। उस समय को कभी कभी हम लोग आप लोग से तो रूडली आवाज़ में बात कर देता है, कभी हम लोग आप लोग को गाली वाली भी दे देता है, लेकिन आपको हम ये बताना चाहिए, गाली हम लोग नहीं देगा तो कौन देगा आप लोग को? वी बींग ए कीपर ऑफ द लॉ, हम लोग माँ पिताजी है कानून का। अगर कोई बेटा पिताजी जो अगर बेटा कोई गड़बड़ करता है तो पिताजी गाली नहीं देगा तो कौन गाली देगा? फैमिली वाला ही गाली देगा। तो अगर आप कानून तोड़ता है तो बींग ए कीपर ऑफ द लॉ, अगर हम कानून का रखवाला है तो हमको, हम आपको नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तो आप लोग माइंड नहीं करना है, हम लोग अगर ड्यूटी में है तो किसी को हम रूट भी बोल दिया होगा तो वो एक रीज़न था, उस समय को बोलना पड़ा था, सिचुएशन था, उसको लेके आप लोग एक इशू मत बना दो। लोग सिस्टम को जाते हैं, रॉन्ग पार्किंग करेगा तो ट्रैफिक वार्डन्स या ट्रैफिक पुलिस आकर लोग लगा देगा, तो ये लॉकिंग सिस्टम को थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी बार देखा जाता है कि सोशल मीडिया में कोई लोग वायलेंट तो करते हैं लेकिन लोग को भी तोड़ के चले जाते हैं, तो इस पे क्या, अगर कोई लोग तोड़ देता है तो उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जाएगा या फिर क्यों लगाया जाता है लोग, उसको थोड़ा बता दीजिए। जी इस पे ऐसा होता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, वेदर इज वेदर इस मतलब कुछ पैसा आपका 2 रुपया का हो या 2 करोड़ का रुपया हो, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। डैमेजिंग ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी इसका एक बना हुआ है, PDPP एक बोल के, PDPP एक, डैमेजिंग ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, उस पर ये लागू हो जाता है। तो इस पर हम लोग का केस भी बहुत बनाया है, बहुत सा आदमी का अगेंस्ट में केस भी हुआ है, अरेस्ट भी हुआ है, और बहुत सा आदमी को हम लोग जेल भी बैठा है। तो ऑफिशियल कुछ कुछ चीज़ होता है जो हम लोग मीडिया में हर चीज़ को एक्सप्लेन करना नहीं कर नहीं पाता है, इसका कारण से बहुत आदमी लोगों को क्वेश्चन ये भी होता है कि लोग तरने का बार क्या होता है, कुछ नहीं होता एक्चुअली, सोचता है ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको डील करता है, और लॉकिंग वगैरह जो तोड़ देता है उसको हम लोग 3PDPP एक में रजिस्टर भी कर सकता है, उसको अरेस्ट भी कर सकता है, और वो नॉन अवेलेबल है। और नॉन अवेलेबल कोई कोई आदमी लोग जानता है कुछ चीज़ को, पूरा सब कुछ को नहीं जानता है, इसलिए हर चीज़ को जानना जरूरी है। बहुत सारा क्वेश्चन भी ऐसे होता है कि कीस वगैरह पुलिस छीन नहीं सकता है, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन करता है। हम ये नहीं बोल रहे गलत है, ये सही है अकॉर्डिंग टू MVA, बट वट अबाउट द IPC, वट अबाउट द पुलिस मैनुअल, और भी बहुत सारा हम लोग का वो है कानून है, सिर्फ और सिर्फ MVA से हम लोग नहीं चलता है। हम लोग वी आर प्रोटेक्टेड बाय द CRPC और यू में से पुलिस मैनुअल, पुलिस मैनुअल हो गया, हम लोग को पुलिस का बारे में क्या क्या पावर दिया है वो दिया। फॉर एग्जांपल हम आपको दे, आदमी लोग बोलता है गाड़ी के से की नहीं लिया जा सकते, वो तो एक्सेप्शन है ना, आप नहीं ले सकता है। फॉर एग्जांपल आप वोमेंस क्राइम्स अगेंस्ट वोमेंस का बारे में ले लीजिए, हम लोग लड़की को औरत को सनराइज से पहले और सनसेट का बाद में लड़की को अरेस्ट नहीं कर सकता है, ये हम लोग का CRPC बोलता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। आप ऐसे कोई जरूर नहीं है कि वही कानून ही है बोल के, आपको समझना पड़ेगा कि हम अरेस्ट कर सकता है लेकिन उसके लिए हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम क्यों किया है, रीज़न देना पड़ेगा। लड़की को हम रात को भी अरेस्ट कर सकते हैं, 12 को भी अरेस्ट कर सकते हैं, 1 को भी अरेस्ट कर सकते हैं, रात को भी हम कब जब चाहे अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका रीज़न होना पड़ेगा हम क्यों अरेस्ट किया था,
मेरा मजबूरी क्या था, क्यों हम लड़की को पकड़ना पड़ा, क्यों दबोचना पड़ा, क्यों अरेस्ट करना पड़ा, उसका रीज़न होना पड़े। तो आप लोग एक ही कानून को लेके आप लोग सोचना नहीं, यही कानून है, ऐसा नहीं है, अल्टरनेट कानून भी होता है। अभी जैसे कीज़ वगैरह हम छीन रहा है किसी से ले रहा है, तो उसका रीज़न है, क्यों रीज़न है, पहले उसके पास डॉक्यूमेंट्स ही कुछ नहीं, एक डॉक्यूमेंट्स भी नहीं, और जिसका पास डॉक्यूमेंट्स है हम की क्यों लेगा। और वो आदमी को अगर आर्गुमेंट हो गया, झगड़ा हो गया, तो उसका गाड़ी को हम सीज नहीं करेगा तो क्या को करेगा, तो उसका एक रीज़न है। हम ये नहीं बोल रहे कि जाके आप बिना मतलब में दूसरा का कीज़ को लेके चला जाओ, हम कभी इनकरेज करता भी नहीं, लेकिन मजबूर ऐसे हो जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है, आपका पास में एक भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं, आपका जेरोक्स डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी को, तो वो तो ऑथेंटिक नहीं है ना। जब स्कैन कॉपी और जेरोक्स ऑथेंटिक नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपका गाड़ी को सीज नहीं करेगा, तो किस चीज़ को सीज करे। आपका हम गाड़ी को सीज कर सकता है, इंसान को अरेस्ट कर सकता है, हम चाबी नहीं छीन सकता, ये तो लॉजिक हम तो समझ में नहीं आता आप लोग का, लेकिन हम यही सोचता है कि आप लोग का चीज़ को समझना पड़ेगा। कानून सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बहुत सा कानून है जो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। सिर्फ आप लोग सोचता है कि MVA जो एक है वो कोई बड़ा सेक्शन नहीं है, बड़ा चीज़ नहीं है, इतना बड़ा छरा के इतना स्ट्रिक्टली क्यों करता है, लेकिन उसका बिहाइंड द रीज़न को भी जानना पड़ेगा। किसी का जान जा सकता है, किसी का बाइक चोरी होता है, किसी का प्रॉपर्टी डैमेज होता है, किसी का वो होता है, कि बहुत सबसे बड़ा चीज़ तो यही है, गाड़ी तो 10 गाड़ी तो आराम से खरीद सकता है जब जान है तो ना, जान ही नहीं है तो आपके गाड़ी चला के क्या करेंगे। पर्टिकुलरली आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा, लिया जा रहा है, क्योंकि अभी डिस्पाइट फोर लेन होने के बावजूद में अभी एक लेन में अगर बात करें तो 2 लेन चलता है, वहाँ पे भी लोग ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है, उसमें पहले जिस तरीके से चलाते थे उसी तरीके का है, और अभी यू टर्न में भी कहें तो स्लो ड्राइव नहीं करते, यू भी काफ़ी स्पीड से करते, काफ़ी चीज़ें हैं जो जिस तरीके से होना चाहिए वो लोग फॉलो नहीं कर रहे, और कहा जाए तो ये चीज़ में थोड़ा सा डिपार्टमेंट को भी अभी अवेयर करना और लोगों को ज़रूरी होगा, तो इसके लिए सर आखिर आप क्या कहना चाहिए इसको जो भी हम लोग स्टेप करता है, जैसे कि हम लोग को सुपीरियर अथॉरिटी है हम लोग के पास में, तो जो भी चीज़ हम लोग को करना होता है, जैसे अवेयरनेस करना होता है, एवरीथिंग हम लोग परमिशन लेना पड़ता है, तो हम लोग हर चीज़ करने के लिए हम लोग तैयार है। और अवेयरनेस भी हम लोग जितना कैपेसिटी हो पाया था हम लोग 2 महीना तक, तो अभी जो बहुत सारा आदमी लोग भी बोलता है कि अरे आप लोग हमको पता नहीं था लोग का बारे में कैसे रॉन्ग पार्किंग हो गया, हम लोग तो 2 महीना तक तो किसी को चालान किया ही नहीं था, 2 मंथ्स तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस में हम लोग पूरा लगाया है। अभी हम लोग रीसे स्टार्ट कर रहे हैं अंदर द आपका लीडरशिप ऑफ हमारा जो लैंडेड SP है जिमी सिरम सर के अंदर में हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं ये रोड साइड पाठशाला, तो उस पर हम लोग और अभी जो कुछ कुछ पैसा इन्हेंस हुआ है और रोड सेफ्टी का और रोड उसका ट्रैफिक रूल्स के बारे में आप लोग को और भी गहराई से बताना कोशिश करेगा कि अवेयरनेस के थ्रू, और स्कूल्स वगैरह में भी हम लोग प्लान किया है कि एवरी स्कूल्स में जाके जुविनल्स जो होता है ड्रिंक नहीं कर ये ड्राइव नहीं करना है, तो जुविनल्स लोग के लिए बहुत इस बार केस भी बहुत स्ट्रॉन्गली बनाया गया जुविनल का, आपको गार्जियन को गार्जियन के लिए वो जुविनल में गार्जियंस ऑन द दिन गलती, इट मीन्स जो गार्जियन होगा जुविनल जो भी है गाड़ी चला रहे जो 18 साल से नीचे उसका 25,000 फाइन है, उसका बाद 3 साल का इम्प्रिजनमेंट है और कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल 12 महीना के लिए गाड़ी को डायरेक्ट बिना रजिस्ट्रेशन नहीं गाड़ी नहीं चला सकेगा। और जुविनल वो जो पर्टिकुलर जो ऑफेंडर है जो बाइक गाड़ी चलाएगा जो 18 साल से नीचे है जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसका जो 18 साल से नियम से ड्राइविंग लाइसेंस मिलना चाहिए लेकिन उसको 25 साल का बाद ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा उसको पनिशमेंट एज ए पनिशमेंट का तौर पर। तो इस यही सब बहुत सारा सेक्शंस है जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग स्कूल में जाके इनिशिएट लेके, तो हम लोग ने अपना जो हायर अथॉरिटी उससे हम लोग कुछ हेल्प मांगा है जो बैनर वगैरह और पंपलेट वगैरह के लिए हम लोग ने प्रपोजल डाला हुआ है, वो जैसे ही अप्रूव होता है हम लोग फिर चालू करेगा स्कूल्स वगैरह में रोड साइड पाठशाला एवरीथिंग जो भी होता है हम लोग अवेयरनेस ट्राई कर रहा है, जो भी हम लोग ट्राई करेगा कि पब्लिक को और अवेयर कर पाए कि कुछ कुछ सेक्शंस को और पैसा जो इन्हेंस हुआ है उसका बारे में तो बता पाए।